पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल। सब्जेक्ट स्किल का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईटी। ठीक है, आईटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमें ये पढ़ना है कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जब हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने सूचना का आदान प्रदान करते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कॉल सेंटर। आप सभी लोगों को मालूम होगा कॉल सेंटर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हम बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बैंक में आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो गया या आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट नहीं मिला। ठीक है, किसी भी तरह की समस्या है, आपने एटीएम से पैसे को विड्रॉल किया, पैसा आपका विड्रॉल नहीं हुआ लेकिन अकाउंट से डिडक्ट हो गया, इस तरह का कंप्लेन करना हो, एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना हो, तो आप कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं जहां से उसका समाधान आपको मिल सकता है। जैसे कॉल सेंटर होते हैं हर कंपनियों के अपने अलग अलग कॉल सेंटर होते हैं। जैसे गैस की बात करें इंडियन गैस, ठीक है, एचपी गैस, भारत गैस, सभी गैस का कॉल सेंटर, सभी मोबाइल कंपनियों का कॉल सेंटर होता है, वोडाफोन, आइडिया, जियो। आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करके अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और आपको सोल्यूशन उसका मिल सकता है। ठीक है, और कॉल सेंटर का जो नंबर होता है वो टोल फ्री नंबर होता है। टोल फ्री नंबर का मतलब कि जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका एक रुपया भी कास्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। बीपीओ जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप इसे आउटसोर्सिंग का सहायता ले रहे हैं तो आपका बीपीओ होता है। ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इससे क्या क्या सर्विसेज होते हैं बीपीओ में देख लीजिए। ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस, टेलीमार्केटिंग सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, ऐसे बहुत तरह के आउटसोर्सिंग होते हैं जिसे हम लोग बीपीओ कहते हैं। आप अलग अलग आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ का हेल्प लेके आप अपने काम को कर सकते हैं और अपनी कंपनी को आगे आप बढ़ा सकते हैं। सब पॉसिबल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए टॉपिक। इसमें दिया है एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। आईटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आईटी के बहुत एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आईटी इन होम एंड एवरीडे लाइफ, जो आईटी हमारे घरों में यूज होता है और हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ का मतलब मान लीजिए कि हमें फोन से हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, किसी से हम चैटिंग कर रहे हैं, ये सब हमारे क्या है डेली लाइफ है, डेली लाइफ में यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, ईमेल किसी को करते हैं, डेली लाइफ में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आईटी एजुकेशन सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वह है आईटी सेक्टर। आईटी का जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वो एजुकेशन फील्ड में है। आजकल आप देख लीजिए, आजकल क्लासेस बंद है, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑनलाइन लर्निंग हो गया, एजुकेशनल रिसोर्सेज, एप्लीकेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत तरीके का एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड फॉर टीचिंग, एजुकेशन बाय मींस ऑफ एजुकेशनल गेम्स, ये क्लासरूम में ये सब यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का मतलब ये हो गया, जैसे हमें किसी टॉपिक को समझाना है तो किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए हम उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई वीडियो क्लिप का यूज कर सकते हैं, वीडियो क्लिप के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आईटी एट वर्क प्लेस। हम जहां काम करते हैं वहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, और आप कहीं भी जाते हैं किसी भी वर्क प्लेस में तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही वर्क देखने को मिलेगा।
लाइब्रेरी में आईटी का यूज हो रहा है, आप किसी लाइब्रेरी में जाके वहां किताब का रिकॉर्ड रखना हो तो वो भी कंप्यूटर से ही मैनेज किया जाता है। बिजनेस एंड मार्केटिंग, बिजनेस के लिए यूज होता है कंप्यूटर, मार्केटिंग करना है, आप फेसबुक का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जैसे अमेजोन है, ई कॉमर्स की साइट है, मार्केटिंग करना है, आप अमेजोन की साइट पे, फ्लिपकार्ट की साइट पे जाते हैं, अपने ऑर्डर को लगाते हैं और आपका सामान घर तक आ जा रहा है, ठीक है, ये भी आईटी का एक पार्ट है। बैंकिंग सेक्टर, बैंक में आप जाते हैं, हर जगह कंप्यूटर लगा होता है, आप वहां से पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम, बैंकिंग ऐप, टेली बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये सब आईटी है, ठीक है। आईटी में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनियां भी यूज करती हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट, हर जगह कोई भी ऐसा फील्ड देखेंगे, कोई भी ऐसा फील्ड जहां ऐसा नहीं हो सकता, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। आप देखिए अगर हेल्थ में, तो हेल्थ में भी सबसे ज्यादा यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, अगर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना हो तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर लेते हैं। पेशेंट एंगेजमेंट टूल्स होते हैं, कंप्यूटराइज अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, लेबोरेटरी एंड मेडिकल, ठीक है, लेबोरेटरी एंड मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल सर्विस, बहुत तरीके से यहाँ से मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा है। डायग्नोसिस में भी यूज होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ईसीजी चेक कराना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेंगे आप लोग, ठीक, ऐसे बहुत तरीका होता है। ब्लड शुगर टेस्टिंग, वो भी आईटी के माध्यम से हो रहा है। आईटी का मतलब यहाँ कंप्यूटर, ठीक है, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है हमारा आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक, वहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जिसको आप लोग ऑटोकैड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजिंग 3D ऑब्जेक्ट,